नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। राजस्थान लैब असिस्टेंट बायोलॉजी की सीरीज चल रही है। थर्ड चैप्टर पादप शरीर, उत्तक एवं उत्तक तंत्र और जीवित वृद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन है इसके अंदर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जब द्विबीजपत्री जड़ में द्वितीयक वृद्धि प्रारंभ होती है तो सर्वप्रथम क्या होता है? सर्वप्रथम क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन, प्राथमिक जाइलम और फ्लोएम के बीच कोशिकाओं का विभज्योतीय होना। सेकंड क्वेश्चन, एक बीजपत्री पादपों में द्वितीयक वृद्धि न होने का कारण क्या है? संवहन फूल अवृद्धि होते हैं इसलिए द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। द्विबीजपत्री जड़ में द्वितीयक वृद्धि के 2 वर्ष बाद वल्कुट क्या हो जाते हैं? पूर्णतः नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिधि की ओर स्थित प्रोटोजाइलम को क्या कहते हैं? अभिकेंद्री जाइलम कहते हैं। एपिथेम उत्तक किस क्रिया से संबंधित है? बिंदु स्त्राव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहन एधा से उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? जाइलम फ्लोएम संवहन किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभज्योतक किस प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं? अपरिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोडर्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? किसने किया? हेबरलेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलामेन उत्तक कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? अधिचर्म के नीचे। फोर्थ, किस उत्तक में टाइलोसिस पाए जाते हैं? किसमें? द्वितीयक वाहिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्क का पर्याय होता है, कॉर्क का पर्याय क्या होता है? काग। क्रिकेट बॉल बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? ओक की आग से। वले प्रयोग गन्ने में संभव नहीं है, क्यों? क्यों संभव नहीं है? संवहन फूल बिखरे होते हैं इसलिए। ओतिकी में अध्ययन किया जाता है, ओतिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? उत्तकों का। शीर्षस्थ कोशिकावाद को प्रतिपादित किसने किया था? वुल्फ ने। यदि स्तंभ शीर्ष पर एक से अधिक ट्यूनिका स्तर हो तो क्या होगा? अंदर की परतें पत्तियां तथा वल्कुट उत्तक बनाने में सहयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिग्निन रहित भित्ति वाला एक सामान्य यांत्रिक उत्तक है, कौन सा है इसमें से? स्थूल कोण उत्तक। पेरिब्लेम से निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? अधस्त्वचा का। कौन सी यांत्रिक उत्तक जीवित होती है? कौन सी होती है? दृढ़ उत्तक। पार्श्व विभज्योतक उत्तरदायी है, किसके लिए? बढ़ती हुई मोटाई के लिए। कोर कोशिका होती है, किसकी हो? कैसी होती है? कोर कोशिका कैसी होती है? मृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक उत्तक अविकसित होती है, अविकसित होती है, क्यों होती है? कहाँ होती है? जलोद्भिदों में। जलोद्भिदों में क्या होती है? यांत्रिक उत्तक अविकसित होती है। जब कोशिकाएं मोटी भित्ति की वह लिग्निफाइड हो जाती है तो उन्हें क्या क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं दृढ़ उत्तक। तो देखो, ये थे चैप्टर नंबर थर्ड के क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अच्छा, ओके, थैंक यू दोस्तों।